आजकल सोनू निगम थोड़े से परेशान हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ को नहीं बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। सोनू, वेलकम टू जूम। सबसे पहले बताइए, बहुत सारी खबरें आ रही हैं रॉयल्टी म्यूजिक एंड ऑल, एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या? ये परेशानी नहीं है, इट्स जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान किसी का हल नहीं निकाल सकते, और वो उम्र चली गई जब परेशानी लेते थे हम लोग सर पे। जब उम्र बढ़ती है तो आदमी समझता है कि ज़िंदगी में कैसे थोड़े जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उनको कैसे लांघना चाहिए। इतनी सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट के इशू पे हमारी जो म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है उसमें कंपोजर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, लिरिक्स राइटर्स आते हैं, वो सभी सहमत नहीं हैं। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर जो लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सही है तो वो हमारे साथ में लॉ मिनिस्ट्री में चलें। लॉ मिनिस्ट्री ने ये बनाया है, क्लॉजेस बनाए हैं, अमेंडमेंट बनाया है। अगर वो कहते हैं कि ये अमेंडमेंट ठीक है तो हम कर देंगे सर, ये कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट के मुताबिक है तो हम साइन कर देंगे। लेकिन जो ये लोग नहीं जा रहे हैं या जिसकी वजह से ये उसमें आ रहे, बिकॉज काफ़ी इलीगल काम हो चुका है और हम अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करना चाहते। और मुझे औरों को पता नहीं, मेरी फेडरेटरी ने कहा है, मेरी एसोसिएशन ने कहा है कि मैं नहीं करूँ, मैं नहीं करा और मैं आगे भी नहीं करूँ जब तक एसोसिएशन नहीं कहेगी। एसोसिएशन कहेगी कि तुम साइन कर दो तो मैं साइन कर दूँगा। आई एम नॉट द फेस ऑफ इट, आई एम जस्ट बीइंग सिंगल्ड आउट। लेकिन मैं, मेरी हिमाकत नहीं है कि मैं लोगों को शेय दूँ या लोगों को कहानियाँ सुनाऊँ कि ऐसी बात। सबने मिलकर डिसाइड किया है और आई एम टेकिंग अ स्टैंड, दैट्स इट। एंड नॉट जस्ट मी, द लॉट ऑफ पीपल, 95% ऑफ द फ्रेटर्निटी इज़ विद अस। तो इसमें यूनिटी कितनी है आपके साथ, सिंगर्स जो हैं सब? सबके साथ, नॉट जस्ट सिंगर्स, कंपोजर्स, लिरिक्स राइटर्स, सबके सब साथ। हमने ये भी सुना था कि एक बार लता जी ने ये भी कोट दिया था कि मैं तो थक चुकी हूँ ये कर करके, अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए और वापस इस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। लता जी हमारे साथ में, आशा जी भी बहुत अग्रेसिवली हमारे साथ में है, लेकिन यू नो हम ज़्यादा बड़ों को उतना तंग नहीं करते क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है और आगे बढ़े हैं, उनका आशीर्वाद ही वाले काफ़ी है। बट इस समय हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने लिए तो खड़े हो सकें, हम कब तक हमेशा दूसरों को ताकेंगे कि आप हमारे लिए खड़े होकर बोलो। सो इस बार जज्बा ऐसा है कि सबके सब साथ में जुड़े हो। थैंक यू सो मच, वी होप आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। उम्मीद है जरूर। पहले ये तो सोनू ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की। कैमरामैन आदित्य के साथ चेतना सिंह, जूम मोबाइल।